तो गाइस मेरे पास आ चुका है ये लेटर जो कि आता है आप लोग को जब आपके $10 कंप्लीट होते हैं ऑन यूट्यूब, मतलब एडसेंस में जब आपके $10 कंप्लीट होते हैं तो आपको आता है ये लेटर थ्रू एडसेंस, गूगल एडसेंस। तो आपको ये आने के लिए कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है, कैसे अप्लाई करने का, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहो मेरे साथ। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करो जाओ जाके सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबा दो ऐसे अमेजिंग आने वाले नए व्लॉग्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। What's up guys and welcome back to another new video। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ, मुझे पता है आगे जाना चाहिए थोड़ा, ओके दिख रहे हैं ना। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि मेरे पास आया है ये गूगल एडसेंस से लेटर जो कि आपको तब मिलता है जब आपके $10 कंप्लीट होते हैं ऑन यूट्यूब। आप लोग को गूगल एडसेंस से ऐसा एक लेटर आता है, तो मैं एड्रेस को जो है ढक देता हूँ। तो ये सारे आते हैं आपको इधर लिखा है, अगर आप लोग को मतलब ये लेटर अगर आपके पास अनडिलीवर होता है तो आपको ये पते पे जाना पड़ता है, ये पते पे। तो अभी हम लोग खोलते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो आप लोग को लिखा है कि रिमूव फ्रॉम द साइड एज फर्स्ट, तो मतलब इधर से फाड़ो। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, जब आपके YouTube पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं ना तो फिर आपको जाना है सेटिंग्स में, या फिर ऊपर एक एक्शन बटन आता है, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा पिक्चर डाल दूंगा, एक्शन बटन करके आता है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना तो पहले तो आपको कुछ वेरीफाई करने बोलते हैं, मैं आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करने बोलता है जो भी होता है आपका पैन कार्ड नहीं तो फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ आप कर सकते हो वेरीफाई। ठीक है, तो मैंने किया था पिन से, मतलब पैन कार्ड से, क्योंकि अब अगर आप अंडर एज हो तो आप गूगल एडसेंस नहीं यूज़ कर सकते, बट अगर आपके मम्मी पापा आप इनके थ्रू यूज़ कर सकते हो, तो मैंने मेरी मम्मी का गूगल एडसेंस बनाया और उसके अंदर ही मैंने काम किया बस। तो फिर जब मेरा $10 हो गया तो मैंने मेरी मम्मी का पैन कार्ड से उसे वेरीफाई कर लिया, एक दिन लगता है वेरीफाई होने को, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो फिर नेक्स्ट स्टेप जब आपके वापस फिर जब आपका वो वेरीफाई हो जाता है पैन, आपका आइडेंटिटी जब वेरीफाई हो जाता है गाइस, तो उसके बाद आप लोग को एक और बार उधर एक्शन बटन करके दिख रहा रहेगा, वापस आया रहेगा एक्शन बटन करके, तो वो आपको आता है जब आपका एड्रेस वेरीफिकेशन करना, और यही आपका मेन है अगर आप लोग को ये चाहिए तो। ये एड्रेस वेरीफिकेशन पिन है, तो जैसा कि आप देख सकते हो एड्रेस वेरीफिकेशन पिन, ओके। तो जब आपका हो जाता है सब कुछ, फिर आपको लगता है 10 to 15 days ये पहुँचने के लिए, या मोर देन दैट, क्योंकि मेरे केस में मुझे 16 डेज लगा ये पहुंचने के लिए, 16-17 डेज लगा। मैंने अप्लाई किया था 15 जनवरी को मैंने किया था अप्लाई इसके लिए, और मुझे आज की डेट है 2 तारीख, मतलब मुझे लगा 17 दिन से ये मिलने के लिए मेरे पास, मेरे घर पे पहुंचने के लिए। तो गाइस ये आपके पास पहुंच जाएगा इन 17 डेज या लेस या मोर, डिपेंड करता आपका लोकेशन क्या है। तो अभी मैं इसको ढाल लूँगा मेरे डेस्कटॉप पे जाके, ये पिन जो है इधर वो मैं ये पिन जो है इसे मैं ढाल दूँगा एडसेंस अकाउंट में मेरे, तो मैं इसे ढाल दूँगा। फिर उसके बाद क्या, जब उसके बाद आपको ढालना अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, भले आप पहले भी ढाल सकते हो, जब आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाता है आप उसके बाद भी ढाल सकते हो, तो लेकिन मैं ढालूँगा इससे इसको अपलोड करने के बाद, मतलब पिन को ढालने के बाद। तो अभी मैं घर पर जाऊँगा इससे ढालूँगा, अब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अगर मैं कर पाया तो। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतने रखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, फैला दो भाई का वीडियो, जल्दी जल्दी कर लो यार सब कुछ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, चलो बाय। हम लोग जो है आ चुके हैं मेरे डेस्कटॉप में, और आपको जाना है गूगल एडसेंस में, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा साइन इन, ओके। तो ये मेरा आईडी पे नहीं मेरी मम्मी का आईडी पे है, तो मैं पहले उधर जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ उस पर, ओके। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग इधर लिख के आ रहा है वांट टू वेरीफाई योर एड्रेस, तो यहाँ पे वेरीफाई पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो पिन डालेंगे जो आपके एडसेंस के लेटर पर आया है, तो मैं फटाफट डाल देता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पिन, ओके। तो यहाँ पे अभी सबमिट का बटन दबा रहे हैं, तो जैसे सबमिट का बटन दबाओगे वैसे ही हो गया है ये, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है हो गया है, पर ऊपर अभी भी आ रहा है एक्शन का, तो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले सब, ओके। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा,
रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऊपर वाला भी चला जाएगा जो है ऊपर ये। हाँ ऐसे आप रिफ़्रेश कर रहे हो तो चला जाएगा, रिलोड तो देख सकते हो ऊपर वाला चला गया है। अभी मैं व्यू मोड पे दबाता हूँ, चला गया है ऊपर वाला।